ये वो मजार है दो, इसमें से खून की धार, एक में से दूध की, इसमें हजारों का मजमा होता है। मजार है सरकार गरीब नवाज अजमेर वाले, उनके आप ससुर हैं, इनका नाम ख्वाजा वजुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह। यही वो मजार है, गिनती में कभी कम कभी ज्यादा होता है। गरीब नवाज सरकार ने यहाँ पे टाप मारा था और यहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ था और यहीं से 12,000 शहीदों को पानी पिलाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज ब्लॉगर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अभी अजमेर शरीफ हूँ और अजमेर शरीफ से मैं अभी तारागढ़ पे आया हूँ और यहाँ के बारे में हमें जो जानकारी देंगे वो सैयद आसिफ साहब देंगे। और अभी हम चल रहे हैं घोड़े की टाप, जहाँ पे मीरा सैयद हुसैन खिनसवार रहमतुल्लाह अलैह का जो घोड़े का टाप मारा था, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ था। तो वहाँ चल रहे हैं और वहाँ पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा। और आगे ख्वाजा साहब के ससुर का मज़ार भी है, तो वो भी हम ज़ियारत करवाएंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे लास्ट तक। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारा आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचने ही वाले हैं जहां पे मीरा सैयद खिनसवार रहमतुल्लाह अलैह साहब के घोड़े ने टाप मारा था और वहां से पानी का चश्मा जारी हुआ था और यहां पे 12,000 शहीदों की मज़ार मुबारक बनी हुई है। तो वहां पे हम आ चुके हैं अभी और ये देख सकते हैं बहुत सारे जाहिरीन यहाँ पे घोड़े की टाप की आवाज़ भी आती है। तो ये देख सकते हैं बहुत सारे जाहिरीन यहाँ पे कान लगाकर सुन रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये वही जगह है जहाँ पे मीरा सैयद हुसैन खिनसवार रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े ने यहाँ पे टाप मारा था और पानी का चश्मा जारी हुआ। दोस्तों, ये देख सकते हैं हम उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मीरा सैयद हुसैन खिनसवार रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े ने यहाँ पे टाप मारा था और यहाँ से पानी का चश्मा जारी हुआ था और यहीं से 12,000 शहीदों को पानी पिलाए थे और उनका मज़ार मुबारक अंदर बना हुआ है। तो वो हम आप लोगों को अभी चलकर अंदर पूरा दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे लास्ट तक। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको पूरी जानकारी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, यही वो मज़ार मुबारक बनी हुई है जहाँ पे 12,000 शहीदों की मज़ार मुबारक है और यहाँ पे ये मज़ार मुबारक कोई गिन नहीं सकता। यहाँ के बारे में जो जानकारी देंगे, सैयद आरिफ हुसैन, यहाँ के कादी में दरगाह। जी, यहाँ के बारे में कुछ। ये जो मज़ार है सरकार गरीब नवाज अजमेर वाले, उनके आप ससुर हैं, इनका नाम ख्वाजा वजुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इनके साथ में लश्कर आया, ये 12,000 जो शहीद देख रहा उनके मज़ार आते हैं। इसको बोला गया गंजे शहीदा, शहीदों का ख़जाना। निशान 12,000 नहीं, जैसे कपड़ा रखते पेटी में एक के ऊपर एक, ऐसे दफन है। इसी को गंजे शहीदा पहले लोग गिनते थे, परेशानी में पड़ गए, तकलीफ में पड़ गए, जब से मना हो गया। यही वो मज़ार है, गिनती में कभी कम कभी ज़्यादा होते हैं। गरीब नवाज सरकार उनके साथ में, यहाँ पे बादशाह अकबर ने भी गिनने की अशरफिया रख के गिने, सिपाही खड़े करके गिने, मगर गिन नहीं सका, फिर माफ़ी मांग के गया। जब से ये मना हो गया, यहाँ दुआएँ मांगो, ज़्यारत करो, फातिहा पढ़ो। ये वो दरबार है 12,000 शहीदों का, ये बुजुर्गान दीन है, अल्लाह के वली है। जी, और मैं यहाँ पे सुनाऊँ कि यहाँ पे खून की भी धार निकलती है और ये दूध की भी, तो उसका क्या वाक़ है? ये जब शहादत इमाम हुसैन असर का वक्त होता है, उसका टाइम, हज़ारों लोग होते हैं, तो दो मज़ार है पास में, उसमें से एक के अंदर से खून की धार और एक के अंदर से दूध की धार निकली आती। हज़ारों लोग होते हैं जिनके कान आँख कान स्थाई हो सुनने के देखने लायक, उनको नज़र आता है। हाँ, ये वो मज़ार है दो, एक में से खून की धार, एक में से दूध की, इसमें से खून की धार, एक में से दूध की, इसमें हज़ारों का मजमा होता है। जिसकी आँख सच्ची होती है उसको ये करिश्मा दिखता है, हर किसी को नहीं दिखता ये। जी जी, हर किसी को नहीं। और ये कब निकलता? किस्मत वालों को हर साल निकलता है, असर के वक्त जब शहादत इमाम हुसैन का वक्त होता है उसी टाइम में। ये हर किसी को नहीं दिखता, जिसके नसीब ऐसे हो, इनका करम जिस पे हो उसको दिखाया जाता है। और ये सब 12,000 शहीद है।